बर्बाद हुआ इश्क का कलमा याद हुआ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है सबका? सब ठीक ठाक खैरियत से हैं? उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, घर पे सेफ होंगे। तो आज बेसिकली सियालकोट के अंदर एक इवेंट हो रहा है जिसके अंदर जितने भी सियालकोट के नए ब्लॉगर्स और व्लॉगर्स हैं वो सब इनवाइटेड हैं और काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर होंगी, लेकिन वो तो अब जाके ही पता चलेगा। और जिस वक्त मैं घर से निकल रहा था तो टाइम क्योंकि 5:30 बजे का था यहाँ पहुँचने का, और जो लोकेशन है वो थोड़ी सी दूर थी, इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पहुँच के ही एक दफ़ा रिलैक्स होकर मैं स्टार्ट करूँगा अपना व्लॉग। अदरवाइज़ बंदा टेंशन के अंदर रहता है, पहुँचूँगा कि नहीं पहुँचूँगा। तो अभी हम लोग लोकेशन पर पहुँच चुके हैं और जो लोकेशन है वो एक रेस्टोरेंट है ईट एंड टॉक के नाम से। और जो हमें इनविटेशन आया था वो आया था माहम की तरफ से, जो कि एक इंस्टाग्राम पर ब्लॉगर हैं, सियालकोट से उनका ताल्लुक है। बकाया अभी अंदर जा कर देखते हैं कि क्या सीन्स हैं और क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है और कौन कौन यहाँ पर आया है, और साथ हम ये भी देखेंगे कि हम किन किन को जानते हैं पर्सनली, जो है मैं किस किस को जानता हूँ। और आज सैडली सिर्फ मैं अकेला ही आया हूँ, तो मेरे अलावा यहाँ पे कोई भी नहीं आया, ना आदिल, बासित और हमज़ा जितने भी हमारे ग्रुप मेंबर्स हैं उनमें से कोई भी नहीं आया। तो आज का जो व्लॉग है वो मुझे अकेले ही बनाना पड़ना है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, अकेले भी ट्राई करनी चाहिए कभी कभी। तो अब हम अंदर जाएंगे और देखते हैं कि वहाँ पे क्या सीन्स हैं। तो जी, इवेंट जो है वो स्टार्ट हो चुका है और इस वक्त काफ़ी सारे ब्लॉगर्स जो सियालकोट के हैं वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं। टाइम भी यार काफ़ी हो चुका है और गर्मी तो आज वैसे ही काफ़ी ज़्यादा है। इस वक्त मेरी बैक साइड पे सियालकोट के एक फेमस सिंगर हैं आसिम मिर्ज़ा, जिनका नाम है, जो कि मेरे क्लास फेलो भी रह चुके हैं। वो इस वक्त गाना गा रहे हैं और सारे जो हैं इस वक्त उसको इंजॉय कर रहे हैं। तो आपको दिखाते हैं कि वो क्या, बल्कि सुनाते हैं कि वो क्या गा रहे हैं। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो, ऐ हुस्न वालो न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं, सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं बर्बाद हुआ इश्क का कलमा याद हुआ।
सजी रंग मेरा गोरा तेरे पैर काले रंग तेरा गोरा तेरे पैर काले नी बढ़ जाने तेरे प्रा मेरे सारे नी तेनू मैं चावा सच्चा चावा मेरा रब दवा तू बस बन जा मेरी बन जा तेनू खुश तो यहाँ पे जो है वो खाने का भी अरेंज है और साथ यहाँ पे काफ़ी मज़े मज़े की पेस्ट्रीज यहाँ पे लगी हुई हैं, तो इनको चेकआउट करते हैं कि ये क्या क्या ऑफ़र कर रही हैं, उनके पास कौन कौन सी पेस्ट्रीज हैं। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ। सर बताइएगा कि आपने क्या क्या रखा होगा? ये क्या है? ये जो कपकेक्स है ये पाइनएप्पल फ्लेवर है, ये टूटी फ्रूटी है, ये पीच फ्लेवर है। ये पाइनएप्पल है, ये टूटी फ्रूटी है और ये पीच फ्लेवर है। उसके बाद ये क्या चीज़ है? स्वीट डिलाइट्स हैं, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल एंड चॉकलेट। ठीक है, इसमें चिप्स भी हैं व्हाइट कलर के। हाँ जी, चॉकलेट चिप्स भी। ठीक हो गया। और उसके अलावा ये बड़े क्यूट से फ्लावर्स बने हुए हैं, ये ब्लूबेरी, ये ब्लूबेरी में है। और ये वाला ये वो टूटी फ्रूटी, ये भी अच्छा वही सेम वाला है। ठीक, उसके अलावा चॉकलेट चिप। ठीक, और साथ जो है ये भी चॉकलेट, चॉकलेट ये कैरामेल है या चॉकलेट है? चॉकलेट, चॉकलेट में। ठीक, माशाल्लाह। और ये क्या चीज़ है? स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी में है, पीच। ठीक है, पाइनएप्पल। ठीक, और ये आपके चॉकलेट पेस्ट्रीज हैं। ठीक, और इनकी क्या प्राइसेस हैं? ये पेस्ट्रीज 200 की हैं। ये 200 की हैं। ठीक है, पेस्ट्री साइड 300 की हैं, ये डिलाइट 300 का है, कपकेक्स 100 के। अच्छा, ये 100 के हैं और ये 300 के और ये 200 के जो आपकी सिग्नेचर जो पेस्ट्री है। सर आपका क्या है इंस्टाग्राम पे? ड्रीम केक सियालकोट, ड्रीम केक सियालकोट, SKT या सियालकोट, ड्रीम केक SKT। ठीक हो गया, थैंक यू। तो उनका जो इंस्टाग्राम पे जो पेज है उसका नाम है ड्रीम केक्स SKT, उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं अगर आपने वहाँ से मज़े मज़े की पेस्ट्रीज को बाय करना है, और ज़रूर ट्राई कीजिएगा इनको भी। तो आप इनकी पेस्ट्रीज को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि अभी तो मैंने खा के चेक नहीं किया, लेकिन जो चीज़ शक्ल वाइज अच्छी लगे तो वो ज़ाहरी बात है खाने में भी वो अच्छी होती है। तो अभी जो हमारे साथ भाई हैं ये वाले, ये बेसिकली वही फेमस सिंगर हैं सियालकोट के, माशाल्लाह अनकरीब होने वाले, अभी नहीं हुए, होने वाले। लेकिन मैं क्या बोलूं यार, पहला अच्छा, मुझे अच्छा, तुमने नॉटी मुझे इमोशनल काट दिया भाई। तो ये हैं जी हमारे सियालकोट के अपकमिंग फेमस सिंगर आसिम मिर्ज़ा, जो के हाँ ठीक है, जो के यार इधर हो यार। तो बेसिकली ये मेरे यूनिवर्सिटी फेलो थे, और मैंने यूनिवर्सिटी के बाद तकरीबन 5 सालों के बाद अब मैंने इनकी लाइव सिंगिंग दोबारा सुनी है, और पहले से बहुत इम्प्रूवमेंट है माशाल्लाह, बहुत मज़ा आया। आप आज इस इवेंट के बारे में क्या कहना चाहते हैं? यार बेसिकली सबसे पहले तो थैंक यू महम का, जिसने हमें इनवाइट किया, मुझे और अलीट लाइव को, एपी को, कासिम को, अंस भाई को, जिस जिसको भी इनवाइट किया वो तो इधर करते हूँ ना। अच्छा, बहुत बहुत थैंक यू उसका। और दूसरी बात है ये कि बहुत अच्छा एक आपका कह सकते हो कि एक नया क्या न्यू ट्रेडिशन जो है पाकिस्तान स्ट्रेटजी है आपकी, नहीं कि आप यार ये जो ब्लॉगर्स हैं और सिंगर्स हैं इनको इकट्ठे बिठा के एक नेचर समझना, और उसकी जो मतलब इवेंट के साथ आपको पता चल जाता है ना कि यार इस बंदे में ये क्वालिटी है, नेक्स्ट टाइम हम इसको बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे, मतलब। और उसके बाद सिंगर्स को भी बुलाना कि पता चलता है यार कि कौन सिंगर अच्छा है, मतलब किसमें टैलेंट है, जो न्यू टैलेंट है उसको ऊपर लेके आ रहे, तू ही बोल रहा। तो मतलब यार बहुत बहुत थैंक यू आपका, आपने सबको इन्वाइट किया, इवेंट माशाल्लाह बहुत अच्छा था, हमने बहुत इंजॉय किया। लेकिन तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब इवेंट होगा आप बाद में मुझे फिर बुलाइएगा, थोड़ी मेहरबानी। सियालकोट में कोई भी नहीं इतना करवा रहा जैसे आपने करवाया, बहुत मज़ा आया, बिल्कुल ऐसे ही। थैंक यू। खाना तो हम खा चुके हैं, और अब मेरा ख्याल से कि अब हम इस बात घर ही जाएंगे, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो चुका है, तो अगर तो कुछ हुआ तो इंशाल्लाह आपको दिखा देंगे। तो फाइनली गाइस, जो इवेंट था, कोलैबोरेशन या गेट टुगेदर जो भी आप समझ लें, वो हो चुका है ख़त्म। माशाल्लाह इट वाज अ नाइस इवेंट, और बहुत मज़ा आया कि जो हमारे फेलो इंस्टाग्रामर्स थे या फेलो यूट्यूबर्स थे उनको, उनके साथ गेट टुगेदर हमने किया था, और बहुत अच्छा इवेंट था। ऐसे इवेंट्स तो वैसे सियालकोट में नहीं होते या बहुत कम होते हैं, तो फर्स्ट टाइम मैंने ये इसको अटेंड किया था, एंड इट वाज अ नाइस इवेंट।
तो जो इवेंट है वो ऑर्गेनाइज किया गया था दो लोगों की तरफ से, एक महम थी जिनकी इंस्टाग्राम आईडी मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा, प्लस जो पीआर कंपनी थी वो थी सर जुहेब अवान की। अब सर मैं उनको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली वो हमारी यूनिवर्सिटी लाइफ में हमारे वो सर रह चुके हैं, तो अब माशाल्लाह उनकी अपनी पीआर कंपनी है। तो इस तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज होने चाहिए सियालकोट में, क्योंकि इवेंट्स जो हैं यहाँ पे बहुत कम होते हैं। तो वहाँ पे था कि एज सच एक्टिविटीज़ तो नहीं थी, लेकिन गेट टुगेदर था जहाँ पे आप एक दूसरे को जान सकें, एक दूसरे से मिल सकें, एक दूसरे से आप कोलैब कर सकें, ताकि इन फ्यूचर अगर आपको किसी से कॉन्टैक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है या अगर आप किसी से मीटअप करते हैं तो आप पहले से ही उनको जानते हों। तो माशाल्लाह हमारे अपने जो आसिम मिर्ज़ा, उन्होंने बहुत अच्छी सिंगिंग की और बहुत अरसे के बाद मैंने उनकी सिंगिंग लाइव सुनी है यूनिवर्सिटी लाइफ के बाद, विच इज़ लाइक 5 or 6 years आई गेस। तो बहुत माशाल्लाह अच्छा कॉन्फिडेंस उनका उन्होंने गेन किया है। तो प्लस ये है कि हमें पापा जॉन्स की तरफ से ये वाउचर्स भी मिले हैं जिन पे कुछ डिस्काउंट है, और 3 इसलिए हैं कि ये 2 और लोगों के हैं और जो कि मैं जिनको जानता हूँ तो उनको देने हैं, और साथ ही कोई ये हयाम क्लोदिंग के नाम से एक ब्रांड है उसके भी हमें कुछ वाउचर्स मिले हैं जिन पे कुछ डिस्काउंट है। तो अभी ये है कि अब हम जा रहे हैं घर की तरफ, हम नहीं बल्कि मैं अकेला ही हूँ आज। तो मैं जो हूँ अब जा रहा हूँ घर की तरफ, तो बेहतर ये है कि मैं अब रोड पे ध्यान दूँ ना कि व्लॉग बनाने पे। तो आज का जो व्लॉग है वो मेरा, हमारा नहीं बल्कि मेरा यहाँ तक ही है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। तो हर बार की तरह अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने अच्छे अच्छे कॉमेंट्स करें। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।